ओम शांति। आज 28 नवंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को निश्चय बुद्धि की वास्तविकता क्या है उसको स्पष्ट करते हैं। बाबा कहे, जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं वो परवाने पर फिदा होने वाले, और जो निश्चय बुद्धि नहीं होते हैं वो फेरी पहनकर चले जाने वाले। दूसरा जो कहा जाता है, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, तो बाबा कहे ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि ही कर सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए परंतु बाबा और बाबा के शिक्षाओं को, श्रीमत को हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। वे सच्ची प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप की याद में रहते हैं। इसीलिए बाबा कहे स्वयं को चेक करो, क्या ऐसे निश्चय बुद्धि बने हो या थोड़ा थोड़ा संशय का अंश भी है। सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। दुनिया में भी कहा जाता भक्ति का फल है ज्ञान, तो नेचुरल है जब भक्ति का फल है ज्ञान तो ज्ञान है मक्खन। और अब तक छाछ को बिलोते रहे, बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसीलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? उत्तर है, निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं। प्राप्ति क्या है? वही राजाई में आते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। दूसरी बात, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्म को भूल बाप की याद में रहते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। ओम शांति। भगवान वाच। भगवान कहा जाता है निराकार परमपिता को। भगवान वाच किसने कहा? उस निराकार परमपिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रिय से सुनती है। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। जो भी मनुष्य मात्र है वह सब ब्रदर्स है। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई है। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन है। ये हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। बाप समझाते हैं, सर्व का सदगति दाता मैं हूं। बाबा कहते हैं, सर्व का सदगति दाता एक मैं हूं। सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूं, और फिर सर्व का सदगुरु भी हूं। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। शिव बाबा सर्व का बाप टीचर गुरु है, उनका कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। वही बाप
प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते, उनको दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सदगति दाता एक को कहा जाता है। अभी सब दुखी पाप आत्मा भ्रष्टाचारी है। भारत ही सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था, फिर वो भ्रष्टाचारी आसुरी राज्य होता है। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। तो अब रावण राज्य है। जब गाते हैं हे पतित पावन आओ, और किस लिए आओ, राम राज्य आकर स्थापन करो, तो इसका मतलब अब रावण राज्य है। रावण को जलाते भी है, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। सतयुग से त्रेता तक रामराज्य, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, ब्रह्मा की रात सो बीके की रात, ब्रह्मा की रात सो बीके की भी रात, अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात। अभी रात पूरी हो दिन आना है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तीन सेनाएं भी है। परम पिता को कहा जाता है बिलवेड मोस्ट गॉड फादर ओशन ऑफ नॉलेज, अर्थात वो अति प्यारा गॉड फादर है जो ज्ञान का सागर है। तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंचते ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना यह तो बाप को डिफेम करना है। बाप कहते हैं ग्लानी करते करते धर्म ग्लानी हो गई, शिव बाबा की ग्लानी करते करते धर्म ग्लानी हो गई, भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है। ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाता है। अर्थात रावण के मत पर चल नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं, फिर उन्हों को बदलकर मैं दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। ये विषय सागर है, वह है क्षीर सागर। वहां घी की नदियां बहती है। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरों के महल थे। अभी तो भारत 100% इनसॉल्वेंट है। मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूं। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने दैवी धर्म को भूल गए हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखलाते हैं, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। बाप ही आकर बेहद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, अगर मालिक बनूं तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। माया से हार तुम खाते हो, फिर जीत भी तुमको पानी है। ये पांच विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूं। कितना प्यार से बाबा कहते, अब मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता। सतयुग बड़ा मंदिर है, उनको शिवालय कहा जाता है। शिव का स्थापन किया हुआ शिवालय, शिव का स्थापन किया हुआ शिवालय। कलयुग को वैशालय कहा जाता है। सब विकारी है। अब बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो।
तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है, तुम और कोई को याद नहीं करते हो, तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं, ऊपर में है शिव बाबा, फिर मात पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उनको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अनेक धर्म आदि है सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तब यह यज्ञ पूरा होगा। यह है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ, सब सामग्री इसमें स्वाहा हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा? अरे जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है। यह है शिव बाबा का रथ, शिव बाबा इसमें रथी है, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। बाबा कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूं। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं, तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाप आकर मक्खन खिलाते हैं, रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। ये सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ न सके, परम पिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता। गीता में भी कहा हुआ है कि मैं यज्ञ तप जप आदि से प्राप्त नहीं होता हूं, अर्थात इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता। भक्ति का फल जब ज्ञान मिले तो ज्ञान से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूं, मैं जब आता हूं तभी आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूं। मैं लिबरेटर बनता हूं, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुखधाम ले जाता हूं। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बाप क्षमा है, बाप क्षमा है, उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं, समझते कुछ नहीं है। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं वह तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वह वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिदा होते हैं वो वर्षा लेते हैं लेकिन फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, तुम सदगति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होते, अभी सब उस बाप को याद करते हैं क्योंकि वह है ओशन ऑफ नॉलेज, सबकी सदगति कर देते हैं। फिर हाहाकार बंद हो, जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो, तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज मिल रही है। ये कोई दंत कथा नहीं है, ये सारी पढ़ाई है, नॉलेज है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। इसलिए बाबा कहे ये कोई दंत कथा नहीं है, गीता है भगवान की गाई हुई।
परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है। तुम हो शिव शक्ति सेना, वंदे मातरम गाया हुआ है। वंदना पवित्र की ही की जाती है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई और विकारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी अपवित्र गृहस्थ धर्म है। दुख ही दुख है, सत्युग में ऐसे नहीं होता। बाप बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट ले आते हैं, तरी पर बहिष्ट ले आते, तरी मना हथेली। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर धरत पर ये धर्म न छोड़िए। पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तो बाबा कहे धरत पर ये धर्म न छोड़िए। पांच विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे, तब सोलह कला संपूर्ण बनेंगे। सत्युग में है सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। भगवान है ही कौन, भगवान है ही गरीब निवास। शाहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते, क्योंकि वह तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। इसीलिए अबलाएं अहिल्याएं ही ज्ञान लेती है। भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण है उन्हों को ही बाप अपना बनाते हैं। उन्हों की ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना, शाहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो बाबा कहे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी बेहद के बाप को जानो तो हीरे तुल्य बन जाएंगे, तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे, सात रोज का कोर्स करो। कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूं। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है। पहले जब सात रोज का कोर्स पूरा करे तब नारायणी नशा चढ़े, ऐसे थोड़ी रंग चढ़ेगा। बाबा कहे ऐसे थोड़ी रंग चढ़ेगा, सात रोज के बाद पता चलता है ये लायक है व नहीं है। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्ठी में पक्का रंग नहीं लगा है तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है। भट्ठी में पक्का रंग चढ़ता है तब फिर उड़ता नहीं, नहीं तो बाबा कहे भट्ठी में बैठते नहीं, रंग चढ़ा नहीं तो बाहर जाने से संग का रंग लगते ही रंग उड़ जाता है। इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट शिव शक्ति बन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। दूसरी पॉइंट श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी सोलह कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला
परवाना बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा भव। स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। भल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन है। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन्स देखने जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, सब साइड सीन है। और स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन अनगिनत बार पार की है, नथिंग न्यू। आज का स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा ने हम बच्चों को हमेशा ये तीन शब्द स्पष्ट किए हैं, एक है कमेंट, दूसरा है करेक्शन और तीसरा है कंप्लेन। एक है कमेंट करना, कोई भी आया, किसी की भी कोई बात देखी तो तुरंत हम कमेंट करने लग जाते हैं, फिर करेक्शन करते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, जैसे कि हम संपूर्ण हैं। और तीसरा फिर समय देखते, मौका देखते, किसी न किसी बड़े को उसकी शिकायत करते, कंप्लेन करते। तो कमेंट करना, करेक्शन करना, कंप्लेन करना आसान है, परंतु बाबा कहे ये तीनों सी को मिटाकर कनेक्शन जोड़ो, स्वयं का भी कनेक्शन जोड़ो और दूसरों का भी बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ो। तो ये तीन जो कमेंट, कंप्लेन और करेक्शन है वो समाप्त हो जाएगा। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल मधुर महावाक्य है, टाइटल है सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं। ओम रटो मना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना है कि मैं आत्मा हूं। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त होवे। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है, जो और अशांति दुख का कारण बनता रहता है। मम्मा कहे परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है, जो और अशांति दुख का कारण बनता रहता है, क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। अशांति का कारण तो विकार है, तो पहले हरेक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तभी शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो
तो हम अपने पांच विकारों को वश कैसे करें? तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ, ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ, और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना, अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाता है। अच्छा, ओम शांति।